विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में बहुत से काम सही किए, बहुत जबरदस्त टीम इंडिया को उन्होंने लीड किया और भारतीय टीम ने नया मुकाम भी हासिल किया उनकी कप्तानी में। लेकिन कई गड़बड़ियां भी हुई जिनमें शामिल है कई युवा टैलेंट्स का करियर बर्बाद होना। इसमें एक टैलेंट था संजू सैमसन, एक टैलेंट था पृथ्वी शॉ और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। संजू सैमसन की फिर से भारतीय टीम में वापसी हुई है, अब रोहित शर्मा टीम के कप्तान है और देखना है कि इस बार उनको कैसे हैंडल किया जाता है। संजू सैमसन का टैलेंट कैसे बर्बाद हुआ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको तीन इंडिया के लेजेंडरी प्लेयर्स के पहली 10 इनिंग्स के स्कोर दिखलाता हूं। ये देखिए स्कोर, 10 में से 8 इनिंग्स में फ्लॉप रहा है पहला। अब देखिए दूसरा, ये भी 10 में से 8 इनिंग्स में फ्लॉप रहे हैं। अब ये देख लीजिए तीसरा, ये भी 10 में से 8 इनिंग्स में फ्लॉप रहे हैं और पहली 5 इनिंग्स का इनका स्कोर तो बहुत ही खराब है। आपको पता है अभी मैंने किनके स्कोर्स दिखलाए? पहला स्कोर जो था वो था रोहित शर्मा का, रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर की पहली 10 पारी। दूसरा मैंने दिखलाया वो विराट कोहली के इंटरनेशनल करियर की पहली 10 पारी और तीसरा स्कोर जो मैंने आपको दिखलाया वो है राहुल द्रविड़ के इंटरनेशनल करियर की पहली 10 पारियां। तो शुरुआत बहुत अच्छा हो बहुत सारे खिलाड़ियों का जरूरी नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं की थी, 15 रन पे आउट हो गए थे अपनी पहली टेस्ट इनिंग्स में, पहले 2 ओडीआई में 0 पे आउट हुए थे। लेकिन उन्होंने अपना करियर कहाँ फिनिश किया, कैसे फिनिश किया? क्योंकि किसी को तो उन पे यकीन रहा होगा, उनके टैलेंट पे, उनके पोटेंशियल पे कि ये लड़का आगे जाके बहुत अच्छा खेलेगा। संजू सैमसन की बात करते हैं, संजू सैमसन ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था कब, 2015 में, करीब 7 साल पहले। और उसके बाद उनको अगला मौका कब मिला, दूसरा 2020 में। वो दूसरी इनिंग्स कब खेलते हैं, 2020 में, मतलब पहली इनिंग्स खेलते हैं 2015 में और दूसरी इनिंग खेलते हैं 2020 में, 5 साल के लंबे गैप के बाद। मतलब इतने लंबे समय में उनको इतने कम मौके मिले और जब भी उनको मौके मिले उनको इंस्ट्रक्शन क्या मिलता था कि जाओ बेटा जाकर के अपने शॉट्स खेलो। बच्चा गया शॉट खेला, आउट हो गया और आपने उनको टीम से ड्रॉप कर दिया और बाहर कर दिया। संजू सैमसन के साथ जो नाइंसाफी हुई है पिछले 7 सालों में भारतीय क्रिकेट में, ये इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। बहुत सारी मिसाल है भारत में टैलेंट को बर्बाद करने की, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। लेकिन संजू सैमसन एक लड़का जो कि मैच विनर है, परफेक्ट मैच विनर है, लेकिन इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों हुई? कई लोगों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स भी हो जाता है और सुरक्षा का भाव आ जाता है। आप कितने भी बड़े हो, कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी दिग्गज हो, आपको लगता है कि कोई आके मेरी जगह तो ना ले ले। संजू सैमसन एक अच्छे विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। बहुत लोगों को लगता होगा कि यार ये मेरी जगह ना ले ले, इतना टैलेंट था इस लड़के में। अब है, रोहित शर्मा ने उनको मौका दिया है, रोहित शर्मा ने कहा है इस लड़के के पास बहुत टैलेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ये मैच विनर बन सकता है क्योंकि इसका बैकफुट प्ले जो है बहुत ही शानदार है। संजू सैमसन को आपने आईपीएल में खेलते हुए देखा, वो क्या जबरदस्त बैटिंग करते हैं। और सैमसन की तरह ही मुझे लगता है पृथ्वी शॉ को भी जल्दी से जल्दी जो है वापस टीम इंडिया में लाना चाहिए। संजू सैमसन, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल, ये तीन ऐसे टैलेंट हैं जिनको आप फेल होने का राइट दीजिए। ये फेल होंगे, फेल होकर ही जो है कोई व्यक्ति, कोई इंसान सीखता है। अगर आपको उसके पोटेंशियल में यकीन है, आपको उसके टैलेंट में यकीन है, तो उसको पूरे मौके दीजिए। ऐसे नहीं 2 मैच खिलाया बाहर कर दिया, 1 मैच खिलाया बाहर कर दिया, ऐसा मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि संजू सैमसन को इस बार पूरे मौके मिलेंगे और वो अपने टैलेंट को सही साबित करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि उनके पास इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर बनने का पोटेंशियल है। आई होप रोहित शर्मा, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है, अच्छा कदम उठाया है, आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो पहले आपसे पहले के कप्तान करते आ रहे हैं। विराट कोहली के कई फैंस मुझसे इस बात पे नाराज हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि विराट कोहली ने कई यंग टैलेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया है। शायद वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा ना किया हो, लेकिन कुछ टैलेंट बर्बाद तो जरूर हुए हैं। संजू सैमसन को अब तक भारतीय टीम में पक्का हो जाना चाहिए था, उनकी जगह पक्की हो जानी चाहिए थी, लेकिन उनको रेगुलर मौके नहीं मिले, उनको फेल होने का हक नहीं मिला जो हक इन लोगों को खुद मिला था अपने करियर में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।